एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत दिल से क्या कहूँ, इतना प्यार जो आप देते हो, इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेज आपने किए कि मिस कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि इतना आप लोग मुझे प्यार करते हो, इतना याद किया आप लोगों ने। बट मेरी मजबूरी थी, मैं इसलिए नहीं डाल पाई थी। मजबूरी के अलावा थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कभी कभी के नहीं कर पाते हैं, और मैंने आपको इसलिए पोस्ट भी डाल दी थी कम्युनिटी में। बट कम्युनिटी का ये होता है कि भाई किसी के पास पहुंच पाती है, किसी के पास नहीं पहुंच पाती है, वो चीज़ हो जाती है। और पोस्ट भी मैंने कई दिन की बात डाली थी, जब आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कहाँ हो, क्यों नहीं डाल रही हो, क्यों नहीं डाल रही हो, कहाँ हो, तब फिर मैंने सोचा चलो, नहीं तो उस कुछ दिन तो मैंने बिल्कुल मोबाइल देखा ही नहीं था, बिल्कुल फ़ोन देखा ही नहीं था कि कहाँ है, कैसा है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं देखा था मैंने। बट फिर मैंने सोचा चलो मुझे पोस्ट डालनी चाहिए कि आप लोग बोल रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, तो मुझे डालनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। थोड़ा सा जब मैं संभली तब फिर मैंने पोस्ट डाल दिया था। तो वो मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, क्या परेशानी थी, क्या मेरी मजबूरी थी। क्योंकि देखिए, जब वो होता है ना, जब हमारा मन खुश नहीं होता, मन परेशान होता है, या हम किसी टेंशन में होते हैं, तो नहीं मन करता है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भाई दिमाग चाहिए होता है, सोचना पड़ता है क्या बनाना है, क्या हमें करना है, क्या कुछ नहीं करना। जब दिमाग ही सही नहीं होता, हम टेंशन में रहते हैं, तो फिर नहीं कर पाते। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी। सिचुएशन के अलावा मतलब इस दौर से हम गुजर रहे थे, इतने दिन में इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और फिर जब टेंशन होती है तो कोई काम नहीं हो पाता है। थी भले ही मैं यहाँ, लेकिन मन मेरा वहाँ था, मेरे घर पे। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि हो गए इस बात को, हालांकि मैंने जब वीडियो डाला था, वो वाला जो लास्ट वीडियो गया है ना, वो वाली वीडियो में मुझे पता चल गया था, लेकिन वो मेरा सूट हो चुका था, तो मैंने इसलिए वो डाल दिया। उसके बाद की ही बात है, फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा जैसे कि अब क्या, अब नहीं डालती मैं, फ़िलहाल तो नहीं डालूंगी, जब तक कि मुझे कोई ठीक ठाक खबर नहीं आएगी तब तक नहीं डालूंगी मैं भी। तो बात ऐसी थी कि मेरे मायके में मेरे पापा की फ्रेंड के बेटे की डेथ हो गई थी, और वो 40-42 करीब के रहे होंगे, मतलब बड़े बूढ़े भी नहीं थे, जवान ही थे वो, उनकी जो डेथ हुई थी। तो वो हुई तो थी उनकी डेथ, मतलब उनको पी लिया था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था उनका, तो उनकी डेथ हो गई। उसके अगले दिन पता चलता है कि वो, मतलब उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो उस वजह से अब सब लोग, बहुत सारे लोग ही शामिल भी हुए थे उसमें, क्योंकि वो होता है ना कि अपने लोग तो होते ही होते हैं। जब कोई पापा के फ्रेंड थे, वो भी ऐसे फ्रेंड थे कि एकदम जो हमारे फैमिली मेम्बर टाइप जो होते हैं वो थे, तो पापा गए हुए थे वहाँ पे। और अगले दिन रिपोर्ट आती है, तो वहाँ सारा एरिया सील कर दिया गया था, पूरा बिल्कुल उनके घर को एकदम सील कर दिया गया था, वो सारा एरिया सील कर दिया गया था। और मुझे जैसे ही पता चला कि पापा भी गए थे वहाँ पे, तो बस अब समझ सकते हो कि ये जो बीमारी है ना, इसके तो नाम से ही डर लगता है, मतलब चाहे हो ना हो, लेकिन नाम से ही डर लगता है बहुत ज़्यादा। कि अब हम लोगों को बहुत टेंशन हो गई कि पापा गए हुए थे, वही चीज़ है ना कि चाहे हो चाहे ना हो, पर डर तो लगता ही है। फिर मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा पापा को क्वारंटीन कर दो बिल्कुल। फिर पापा को होम क्वारंटीन हम लोगों ने उसी दिन से कर दिया था बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि देखो, यहाँ से हम लोग बोल रहे थे बीमारी ऐसी है कि अपनों से अपनों को दूर करती है। मैं कह रही थी, जबकि ये कहने मुझे इतना दुख हो रहा था कि भैया बच्चों को दूर रखना पापा से, जबकि बच्चे पापा बिना खाना ही नहीं खाते, वो अपने बाबा के बिना खाना नहीं खाते, साथ में चाहिए उनको। बाबा बैठते हैं, नहीं पापा बैठते हैं खाना खाने, तभी बच्चे बैठते हैं, एक एक टुकड़ा पापा देते जाते हैं, बच्चे खाते जाते हैं, ऐसा रहता है। तो मैंने कहा था कि पापा को दूर बच्चों से रखना, सब लोग एकदम अलग रूम में पापा को कर दो, वो चीज़ थी। बट फिर पापा का हम लोग अपना देते रहे, काढ़ा वगैरह देते रहे, हालांकि पापा को कोई परेशानी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बट फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से उनको होम क्वारंटीन कर दिया था। तो 8-10 दिन करीब
8-10 दिन की बात है। तो उसके बाद फिर पापा चेकअप कराने गए तो वहाँ डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। जैसे मतलब 1 घंटे पहले पापा की हमें पता चलती है कि नेगेटिव है, उसके 1 घंटे बाद ही पता चलती है कि मेरी भाभी की बहन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप समझ लीजिए कि कितना दुख होता है यार। वही चीज़ मतलब एक तरफ से टेंशन फ्री हुए थे हम लोग कि पापा की नेगेटिव है, हालांकि कोई परेशानी नहीं थी, डॉक्टर ने खुद ही मना कर दिया था कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है चेकअप कराने की, आप बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक हो। और लेकिन भाभी की बहन जो कि उनका बुखार नहीं टूट रहा था, उनको बुखार आए जा रहा था, खांसी वगैरह थी, तो उन्होंने चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब उस वजह से दिमाग इतना ख़राब, इतना टेंशन, क्योंकि वो भी भाई भाभी की बहन है, हमारी वीडियो देखती हैं, उनसे हमारा रिलेशन है, परिवार में, मायके में, यहाँ वहाँ रिश्तेदारी में, जहाँ भी जो भी है, एक किसी को परेशानी होती है तो परेशानी सबको होती है, कहीं ना कहीं सबके लिए वो चीज़ दिक्कत करती है। क्योंकि अब इस चीज़ से देखो हर शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला एक डर के साए में रह रहा है, एक डर के साए में जी रहा है कि पता नहीं कब किसी को कौन सी क्या यही बीमारी, कब किसी को है, मतलब एक डर सा लग रहा है, चाहे है या नहीं लेकिन डर बहुत है। बाहर निकलने में डर लग रहा है, किसी से मिलने में डर लग रहा है, पता नहीं इसका कब क्या अंत होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बट उनकी भी फिर तबीयत में, मैं भाभी से बात करती रहती हूँ, उनकी तबीयत में भी सुधार है, उनको भी फीवर वगैरह भी नहीं हो रहा है। बट ये है कि ये जो काढ़ा वगैरह होता है ना, इससे बहुत आराम मिलता है, सच में बहुत अच्छी दवाई है। आप देसी दवाई ही से ये बीमारी मतलब अपना जा रही है, तो वही चीज़ पापा के लिए भी चलती रही थी, काढ़ा, नींबू और गुनगुना पानी, ये सब चीज़ चलती रही थी पापा के लिए। तो लेकिन उनका तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, खैर साथ के साथ, बट अब उनको भी बहुत आराम है। तब जाके फिर भाभी ने मुझसे बोला था, दीदी वीडियो बनाओ, आप बहुत दिन हो गए, सब लोग मिस भी कर रहे हैं और आदत भी हो गई। अब वो जो भाभी है ना, वो भी वीडियो देखती हैं, वो भी बोल रही थी भाभी से कि दीदी दीदी की वीडियो क्यों नहीं आ रही, मेरा टाइम पास तो होता रहता है, देखती रहती हूँ मैं अकेले अकेले मतलब कमरे में है तो बोली अकेले अकेले मैं दीदी की वीडियो देखती रहती हूँ तो क्यों नहीं आ रही। तो भाभी ने कहा दीदी वीडियो बनाओ, बहुत दिन हो गए। तब फिर मुझे लगा चलो यार अब ठीक ठाक है सब लोग, थोड़ा सा अच्छी सी न्यूज़ मिली है कि सब लोग ठीक हैं, तो फिर मन भी किया गया। और फिर आप लोगों के बहुत बहुत कमेंट आ रहे थे सच में, तो लग रहा था कि मुझे क्या लगता है ना कि किसी को ना मैं दुख नहीं देना चाहती, एकदम ये लगता है कि आप लोगों से मैं धोखा दे रही हूँ, कि आप लोगों को जोड़ के साथ में फिर एकदम से मैं पल्ला झाड़ लूँ, वो चीज़ मुझे लगती है। और आप लोगों के आम की जो रेसिपी है, आम के अचार की, वो मैं नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि उस बीच आम का अचार मम्मी ने डाल दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता ना इस वजह से। और बट वो आम का अचार जो है मम्मी बिना तेल के डालती हैं, बिल्कुल थोड़े से तेल में डालती हैं, और सालों साल ख़राब नहीं होता। मेरे यहाँ भी जो अचार रखा है पुराना, 4-5 साल पुराना अचार है, बहुत ज़्यादा डल गया था, क्योंकि दीदी के लिए भी गया था, कई जगह जाता भी है तो फिर ज़्यादा डल गया था, तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसलिए 4-5 साल से अचार जैसे कि जैसे रखा है। और बहुत समझ लो तेल तो डालती नहीं है, बहुत थोड़ा तेल डालती है बहुत से तो, बट अभी सोच रही हूँ मैं कि और आम मंगा के, क्योंकि अचार और भी डालना है, वो 4 किलो आम थे, कम थे, दीदी के लिए भेजना है तो और मम्मी डालेंगी। तो मैं अब आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ वो रेसिपी पूरा, अब थोड़ी सी तो खैर बनाई थी मैंने, थोड़ी सी बनाई थी लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाई थी वो, कहाँ पूरा, मैं सोच रही थी पूरा शुरू से लेके पूरा रेसिपी दिखाऊँ आपके साथ, शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि पूरी रेसिपी शेयर करना, तो वो कई चीज़ें होती हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब पूरी हो जाएगी, अब दोबारा से मम्मी डालेंगी, अभी 1-2 दिन में मैं डाल दूँगी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी आम के अचार की। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे क्या प्रॉब्लम थी, बट प्लीज़ आप लोग मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरी हेल्प कीजिए यार, क्योंकि मैं अब इतना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत साल भर हो गई, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए थोड़ी सी हेल्प कीजिए। इसलिए मेरा थोड़ा मन भी नहीं करता है कि क्या करूँ यार, कुछ तो नहीं हो रहा है इसमें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ में। अभी ब्लॉग मैंने आज नहीं कोई शूट किया था, मैंने कहा आपको बता देती हूँ पहले कि क्या रीज़न था, क्या वजह थी, मैं क्यों इतने दिन दूर रही आप लोगों से, आपकी
नहीं कोई वीडियो डाल पा रही थी, ये वजह थी। तो अब आगे से जो है ब्लॉग वो रूटीन जो होंगे सारे वो डेली आएंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।